दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। ये एक स्किन की बीमारी है जिसमें स्किन लाल हो जाती है, खुजली होती है और सूखे या ऑनली फ्लेक्स निकलते हैं। ये ज्यादातर बालों वाले या ऑनली स्किन वाले हिस्सों पर होता है, जैसे स्कैल्प, चेहरा और कानों के आसपास। चलो इस कंडीशन को अच्छे से समझते हैं। कारण एक, मलासेजिया। यह एक प्रकार का फंगस है जो त्वचा पर प्राकृतिक रूप से रहता है, लेकिन कुछ मामलों में यह अत्यधिक सक्रिय हो सकता है और त्वचा की सूजन का कारण बनता है। दो, तेल ग्रंथियों की अधिक सक्रियता। तैलीय त्वचा पर ज्यादा तेल निकलने से भी यह समस्या हो सकती है। तीन, विरासत। यदि परिवार में किसी को यह समस्या है तो यह आनुवंशिक कारणों से हो सकती है। और चार, प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में इसका खतरा बढ़ जाता है। याद रखिए, लक्षण। पहला, त्वचा पर पपड़ी बनना। बालों के स्कैल्प, चेहरे, नाक के किनारे, भौहों के बीच, कानों के पीछे शुष्क या तैलीय पपड़ी देखी जा सकती है। दूसरा, लालिमा और खुजली। प्रभावित क्षेत्र में लालपन और खुजली का अनुभव हो सकता है। तीसरा, शुष्कता और फटी त्वचा। त्वचा में शुष्कता आ जाती है और कुछ मामलों में त्वचा फट भी सकती है। और चौथा, फंगल संक्रमण। मलासेजिया की वजह से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। खाने के लिए उचित खाद्य पदार्थ। एक, प्रोबायोटिक्स। दही और किमची जैसे प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। दो, ओमेगा 3 फैटी एसिड। मछली, अलसी के बीज और अखरोट जैसी चीजें सूजन कम करने में मदद करती हैं। तीन, विटामिन ए, डी, ई से भरपूर खाद्य पदार्थ। गाजर, पालक, बादाम और सूरजमुखी के बीज को अपने आहार में शामिल करें। दोस्तों, बालों को हेल्दी और शाइनी रखने के लिए एक टिप। बालों को रेगुलरली धोते रहो और कंडीशनर जरूर लगाओ। इससे गंदगी और ओनिल निकल जाएगा और बाल मजबूत बनेंगे। साथ ही स्कैल्प की हल्की हल्की मसाज भी करो। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बालों की जड़ों को अच्छा पोषण मिलेगा। बचने वाले खाद्य पदार्थ। एट, शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स। चीनी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ त्वचा की सूजन को बढ़ा सकते हैं। दो, तली हुई और तैलीय चीजें। अतिरिक्त तेल त्वचा की स्थिति को और खराब कर सकता है। तीन, डेयरी उत्पाद। कुछ लोगों को डेयरी उत्पादों से समस्या बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी रखें। चार, एल्कोहल। एल्कोहल त्वचा को सूखा और संवेदनशील बना सकता है। सुपरफूड्स। ए, पालक और हरी सब्जियां। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये सब्जियां त्वचा को पोषण देती हैं और सूजन को कम करती हैं। दो, हल्दी। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस की जलन को कम कर सकते हैं। तीन, बेरीज। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फल त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। होम्योपैथी का परिणाम क्यों बेहतर है? होम्योपैथी में रोग के लक्षणों के आधार पर व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। डॉ. कोमल की क्लिनिक, जो उत्तम नगर वेस्ट में स्थित है, वहां सेबोरिक डर्मेटाइटिस के सफल इलाज के लिए विशेषज्ञता प्राप्त है। यहां हर मरीज का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया जाता है और प्राकृतिक सुरक्षित औषधियों से इलाज किया जाता है। होम्योपैथी शरीर के भीतर से समस्या की जड़ को ठीक करती है और इसके साथ कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इस वजह से कई मरीजों ने डॉ. कोमल के क्लिनिक से इलाज कर अपनी स्थिति में सुधार पाया है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस के इलाज
और व्यक्तिगत परामर्श के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डॉग कोमल के क्लिनिक से संपर्क करें। जड़ से समाधान के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें 9453264668। डॉक्टर कोमल होम्योपैथिक क्लिनिक, उत्तम नगर वेस्ट, न्यू दिल्ली। आपके स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सही और प्राकृतिक उपचार के लिए हमारे चैनल से जुड़ें।